हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन नॉन फाइनाइट वर्ब के असाइनमेंट से। ही बीइंग केयरलेस कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा, ही बीइंग केयरलेस कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज, यहां पर हमने एक प्रेडिकेट लिखा, कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज, ये प्रेडिकेट है। अब अगर ये प्रेडिकेट है तो अगर हम यहां पे देखें तो इस प्रेडिकेट में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक वर्ब है कॉस्ट, इसको देखो ऐसे लिखते हैं। ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा है, इस प्रेडिकेट में हमारे पास में एक वर्ब है कॉस्ट, एक इसका ऑब्जेक्ट है हिम और एक ऑब्जेक्ट है मैनी अपॉर्चुनिटीज। हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज एक प्रेडिकेट है। अब हमें ये पता करना है कि इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये प्रेडिकेट हम किसको रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहां पे या तो सब्जेक्ट ही प्रोनाउन होगा या ये बींग केयरलेस होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम ही को सब्जेक्ट मान लें थोड़े समय के लिए, तो ये जो हमने कॉस्ट का हिम लिखा है, इसे हमें हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। होता क्या है कि जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस में लिखना पड़ता है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट हिमसेल्फ मैनी अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके से। अच्छा, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको कॉस्ट की है अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटी उसने गवाई है और हम ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट कुछ और है। फिर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिर सब्जेक्ट हो सकता है बींग। अगर ये बींग केयरलेस हमारा सब्जेक्ट है तो हम इसे कहेंगे जेरेंट। वर्ब के एनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं उन्हें हम जेरेंट कहते हैं। तो अगर ये जेरेंट सब्जेक्ट है तो अब इस ही की तो हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बींग केयरलेस कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे लिख देना चाहिए। बींग केयरलेस सब्जेक्ट है, जेरेंट है, ये सब्जेक्ट बन गया कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज का। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो बींग केयरलेस हमने लिख दिया, इसे ये तो पता नहीं चल पा रहा कि केयरलेस कौन था, किसके केयरलेस होने की वजह से इसकी अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कर गई, मतलब इसे अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कर गई। तो इसने जो अपॉर्चुनिटीज गवाई है तो वो किसका केयरलेस होना था, मतलब हु वॉज केयरलेस, कौन था केयरलेस। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस ही को इस बींग के साथ में जो कि जेरेंड है, एक नाउन है, डिटर्मिनर बना के लिख देंगे हिज। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, हिज बींग केयरलेस कॉस्ट हिम मैनी अपॉर्चुनिटीज। तो हिज बींग केयरलेस का मतलब उसका केयरलेस होना जो था उसकी वजह से उसके बहुत से मौके चले गए। तो जब भी हम कोई जेरेंड यूज करेंगे तो उससे पहले हम पजेसिव केस के डिटर्मिनर लिखेंगे, ठीक है, पजेसिव केस लिखेंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं अपनी तरफ से और इसको ऐसे लिख देता हूं, ही इज बींग केयरलेस लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज। अब अगर हम इसे ऐसे लिख दें, ही इज बींग केयरलेस लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज। अभी जो लॉस्ट हमने लिखे ना, ये वर्ब हो गई यहां पर, मैनी अपॉर्चुनिटीज इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज जो है इसका प्रेडिकेट क्या है। अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसका सब्जेक्ट मानना, प्रेडिकेट है उसका सब्जेक्ट पता करना है। तो अभी तक उसका सब्जेक्ट है बींग केयरलेस होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बाद में हिज डिटर्मिनेंट लिख रखा है, तो इसका मतलब ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। लेकिन अगर हम बींग केयरलेस को सब्जेक्ट मान लें, जैसे कि यहाँ पे मान लिया था, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि केयरलेस जो है ना, दैट वॉन्ट लूज एनीथिंग, मतलब लूज जो वर्ब है, लूज करना, किसी चीज को खोना गंवाना, ये एट्रीब्यूट पर्सन के द्वारा किया जाएगा, ये केयरलेस क्वालिटी के द्वारा काम नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये जो हम प्रेडिकेट लिख रहे हैं ना, इसका सब्जेक्ट ये पर्सन है। अगर ये पर्सन सब्जेक्ट है तो इसे नॉमिनेटिव केस में लिखो ही, तो हम इसको लिखेंगे ही लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अच्छा, अब ये बींग केयरलेस क्या है ये भी समझ लेना। अभी जो बींग केयरलेस है ना, अब हम इसे जेरेंड नहीं कहेंगे। जेरेंड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो बींग केयरलेस है वो ही का डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की एनजी फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। जेरेंड वर्ब की एनजी फॉर्म्स होती हैं जिनका यूज करते हैं हम सेंटेंस में एज एन नाउन। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये जेरेंड है क्योंकि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस का जो हमारा प्रेडिकेट होता है उससे हमें जान जाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। अगर प्रेडिकेट से हमें लगे कि वो प्रेडिकेट जो है वो बींग के लिए यूज किया जा रहा है, तो बींग हमारा जेरेंड है और ये सब्जेक्ट है। अगर कोई नाउन प्रोनाउन के साथ लिखोगे तो फिर पजेसिव केस में लिखना। लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं, ये जो प्रेडिकेट हम यूज कर रहे हैं ये बींग केयरलेस के लिए नहीं, उस पर्सन के लिए यूज हो रहा है, अगर उस पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो पर्सन सब्जेक्ट है,
और अगर पर्सन है तो उसको फिर नॉमिनेटिव केस में लिखना, ठीक है। तो इसका करेक्शन इस तरीके से होगा कि हिज की जगह ही लिखेंगे, इसका करेक्शन ही की जगह हिज लिख के होगा। अब इन दोनों सेंटेंस को अपना कंपेयर करके इसको समझो कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने यहाँ पे हिज बिंग केयरलेस लिखा और यहाँ पे हिज बिंग केयरलेस लिखा था तो गलत हो गया, ही बिंग केयरलेस लिखा, अच्छा यहाँ ही बिंग केयरलेस लिखा था तो वो गलत हो गया। तो उसका सारा आंसर जो है ना वो इन सब्जेक्ट, इन सेंटेंसेस के प्रेडिकेट्स में छिपा हुआ है। प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, तो हमें ये पता करना चाहिए कि प्रेडिकेट हम किसके बारे में यूज कर रहे हैं। जब ये जान जाओगे प्रेडिकेट किसके बारे में यूज हो रहा है तो ये भी जान जाओगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एक्सप्लेन, थैंक्स एवरीबडी, बाय।